उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दांडिक मामलों में शनाख्त और अन्वेषण के प्रयोजन के लिए सिद्ध दोष और अन्य व्यक्तियों का माप लेने को प्राधिकृत करने और अभिलेखों का परीक्षण करने और उस संबंध और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। महोदय, आज एक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसको 4 तारीख को लोकसभा ने पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य एक 100 साल पुराने विधेयक में आज के जमाने के अनुरूप टेक्नोलॉजी का जो बदलाव हुआ है उसका समावेश करना, इन्वेस्टिगेशन को बल देना और दोष सिद्धि के प्रमाण को ज्यादा से ज्यादा हो सके इस प्रकार ये डेटा को स्टोरेज कर, इसका एनालिसिस कर, इसका उपयोग कर दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाना। सभापति महोदय, जब तक किसी भी देश में दोष सिद्धि का प्रमाण नहीं बढ़ता है, तब तक कानून और व्यवस्था की परिस्थिति सुधारने के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। पुलिस या कानून प्रवर्तक एजेंसियां कितने भी लोगों को कानून के दायरे में पकड़ कर लाए, मगर जब तक अदालतों में उनके दोष को सिद्ध नहीं किया जाता, तब तक उनको सजा नहीं होती। और कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो स्वभावगत रूप से अपराध करते हैं, अपराध को जिन्होंने पैसे के रूप में भी स्वीकार किया है। ऐसे अपराधियों को जब तक सजा नहीं कराते, ये सिलसिला टूटता नहीं। दूसरा, जब तक अपराधियों को सजा नहीं होती है, अपराध करने से सजा होती है संदेश भी समाज के अंदर नहीं जाता। और जब तक अपराधियों को सजा नहीं होती है, कानून के अनुसार जीने वाले समाज के बहुत बड़े तबके में कानून और व्यवस्था और सरकार के प्रति, संविधान के प्रति आस्था की भावना को हम खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए निहायत जरूरी है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाया जाए। और इसके लिए अंग्रेजों के समय में बना हुआ एक पुराना कानून आज के समय में ऐसा लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है। देश के विधि आयोग ने बंदी शिनाख्त अधिनियम 1920 पर 1980 में अपनी 87वीं रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी और उसके अंदर ये जरूरत महसूस की गई विधि आयोग के द्वारा कि 1920 के दांडिक जांच में आधुनिक रुझानों के अनुरूप 1920 के कानून को बदलने की जरूरत है। विधि आयोग ने यह भी कहा कि पहचान के प्रयोजन से संकलित किए जाने वाले डेटा की श्रेणियों को सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्नत वैज्ञानिक खोज से लिए जाने वाले सारे मापों की सूची में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। इसके साथ ही विधि आयोग ने यह भी अनुशंसा करी कि जिन व्यक्तियों के माप लिए जा रहे हैं उसके दायरे को भी विस्तृत करना चाहिए। और कई सारे जजमेंट्स ने भी इसी प्रकार की भावना राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के सामने अलग अलग समय पे की है। इस विषय वस्तु को ध्यान में रखकर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये सारे राज्यों ने कई परिवर्तन, समयानुकूल परिवर्तन किए हैं। परंतु इस पर समग्रता से विचार कर
माप रखने की आधुनिक से आधुनिक तकनीक से माप का डेटा स्टोरेज हो, अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर से इसका एनालिसिस हो, इसके आधार पर गुनाह करने की मानसिकता, हर जिले में किस प्रकार के गुनाह होते हैं, हर प्रदेश में किस प्रकार के गुनाह ज्यादा होते हैं, और इसके आधार पर वो जिले और प्रदेश की गुनाह को रोकने की पुलिस की रणनीति बन पाए, इस प्रकार की एक व्यवस्था, इसको कानूनी स्वरूप देने के लिए मैं यहाँ विधेयक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके बारे में विस्तृत मैं बताना चाहूँगा, मगर पहले सभी सदस्यों के अभिप्राय सुनने के बाद इनसे आए हुए सारे सुझावों, उनसे आए हुई सारी क्वेरीज को एड्रेस करते हुए मैं समापन के वक्त पर इसको विस्तृत में रखूंगा। मैं अंत में सभी सभासदों से कहता हूं कि अपने अपने मूल्यवान विचार इसके पक्ष में विपक्ष में जो है वो यहां पर। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण प्लीज मैं मिस्टर मनोज झा को बुलाओ, माननीय झा जी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए। उसके पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं, परंपरा यह है कि जो सदस्य बोल रहे हैं जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठता है तो बैठ जाएं, इल्ड करें। हम चेयर फोर्स नहीं कर सकता, जैसे आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर पूछने का अधिकार है वैसे चेयर कह सकता है, अगर वो इल्ड नहीं करते तो आई कैनॉट फोर्स। प्लीज नो 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 एलओपी प्लीज नो 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 प्लीज हाँ पढ़िए नो 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 इट्स नॉट रूल आप रूल पढ़िए आप परंपरा जानिए मान एलओपी नो मान थैंक यू हाँ रूल नंबर सर रूल नंबर 210 and 238 1 and 2 to be read together both the rules 110 and 238 1 and 2 so having said that today the discussion begins so beautifully from this side by honorable former finance minister Chidambaram ji and from that side the first time I heard Mahesh Jethmalani ji look at the vitiation towards the end of the debate we are passing a legislation aur agar us par this मैंने प्लीज झाजी प्लीज आप प्लीज झाजी मैंने आपने 110 का रेफर किया था, मैंने पढ़ा, आपका इंटेंशन समझा। माननीय सदस्यगण, मैं शुरू से सबसे निवेदन करता रहा हूं कि आप बिल पर बोलें, आप सबसे, लेकिन क्या स्थिति हो रही है मैं आप समझ गया प्लीज नो नो प्लीज 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 सर सर कोई भी घटना हुई हो कश्मीर में या गोधरा में या गुजरात में या दिल्ली में हम सब सामूहिक रूप से उसके लिए दोषी हैं। आप प्लीज नो नो आपस में कोई डिबेट नहीं, यहाँ पे कोई डिबेट नहीं, नो प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी का जवाब प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी मान्यवर, उन्होंने पूरा भाषण शायद रुद्रलाल जी का नहीं सुना है। रुद्रलाल जी ने तर्कहीन बात नहीं रखी, उन्होंने पीछे पूरी प्रक्रिया समझाई कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा 60 लोगों को जिस जघन्य कांड के अंदर जिंदा जला दिया उसको अलग स्वरूप देने का प्रयास उस वक्त के तत्कालीन रेलवे मंत्री ने एक सुप्रीम कोर्ट के चयनित किए हुए जज का, जांच आयोग चल रहा है फिर भी रेलवे एक्ट का उपयोग कर एक कमिटी रेलवे एक्ट के तहत बनाई और ऐसा तारण वो कमिटी ने दिया कि वो एक्सीडेंट था, वो षड्यंत्र नहीं था। जिस तारण को माननीय सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया, मन इसलिए उन्होंने कहा है उसको अलग स्वरूप देने का प्रयास किया है। ये जो कमिटी बनी थी इसमें अब कोई राय नहीं हो रही है, सर्वोच्च अदालत का जजमेंट है, वो 60 लोगों को मारने वालों को बचाने का एक प्रयास था, वो श्री रुद्रलाल जी कहना चाहते थे। और सामूहिक जिम्मेदारी नहीं आ सकती। मंत्री जी आपका जवाब प्लीज, बिल पर माननीय मंत्री जी का जवाब प्लीज प्लीज प्लीज। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आज जो बिल लेकर मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, इसमें कांग्रेस पार्टी के
श्रीमान पी चिदंबरम से लेकर श्री ब्रजलाल जी तक 17 लोगों ने अपने अपने अभिप्राय अपने अपनी विचार रखने का काम किया है। माननीय कुछ सदस्यों ने कुछ धाराओं पर इसके दुरुपयोग पर आशंकाएं भी व्यक्त की है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। कुछ सदस्यों ने इसकी संवैधानिक वैधता पर भी सवाल खड़े किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिए हैं ये जजमेंट के हिसाब से यह बिल उचित नहीं है। इस सब का मैं डिटेल जवाब दूंगा। मंडल सबसे पहले मैं बिल को लेकर आने वाले मंत्री के नाते इस बिल का उद्देश्य सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि रिकॉर्ड पर रहना चाहिए। माननीय इस बिल का प्रमुख उद्देश्य है इस देश में कानून की अदालतों में जो मामले जाते हैं उसमें दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम की कैपेसिटी बिल्डिंग करना ये इस बिल का उद्देश्य है। थर्ड डिग्री को नाबूद कर दोष सिद्धि के लिए साइंटिफिक एविडेंस प्रोसिक्यूशन एजेंसीज को उपलब्ध कराना ये बिल का मान्यवर उद्देश्य है और डेटा को सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर रखकर उसको निश्चित प्रक्रिया के तहत साझा कर किसी भी नागरिक की प्राइवेसी रिस्क में न आए, उसकी प्राइवेसी का भंग न हो, इस प्रकार का व्यवस्था तंत्र बनाना, ये चार उद्देश्य लेकर मैं इस महान सदन के सामने ये बिल को लेकर मान्यवर आया हूं। मान्यवर बहुत बात हुई कि बिल से ये कर देंगे वो कर देंगे, इस बिल से इसका दुरुपयोग हो जाएगा, मगर मुझे थोड़ा दुख भी है मान्यवर, जो झा साहब ने कहा कि चर्चा का स्तर बहुत अच्छा रहा। झा साहब, चर्चा का स्तर तब अच्छा माना जाता है जब बात बैलेंस तरीके से की जाए। माननीय एक भी विपक्ष के सदस्य ने दोष सिद्धि का प्रमाण कम है और उसको बढ़ाना चाहिए इसकी जरूरियात ही महसूस नहीं की। हम किस प्रकार का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चाहते हैं? जिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर हत्या कर 100 में से 66 लोग बरी हो जाए, जिस सिस्टम के अंदर बलात्कार कर 100 में से 60 लोग बरी हो जाए, चोरी कर 100 में से 62 लोग बरी हो जाए, डकैती कर 100 में से 70 लोग बरी हो जाए, बाल अपराध कर 100 में से 62 लोग बरी हो जाए, दोष सिद्धि का प्रतिशत क्या है? माननीय कोई नहीं बोला। इतना सारा रिसर्च करते हैं तो इतना भी तो कर लेते और इसको स्पिरिट से रख देते। माननीय हत्या के अंदर सिर्फ 44% लोगों को देश में हम सजा दिला पाते। मैं तो प्राइमरी कोर्ट की बात करता हूं, ऊपर जब जजमेंट आता है तब ये और गिरता है। माननीय बलात्कार के अंदर 39%, चोरी के अंदर 38%, डकैती के अंदर 29% और बाल अपराध के अंदर 37% सिर्फ मात्र। क्या हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं? किसी ने इसका सजेशन नहीं दिया, कुछ अच्छे सुझाव देते कि भाई ये बढ़ाने के लिए ये जरूरी है मगर इसमें इतना ध्यान रखिए, इसमें इतना सुधार करिए, तब तो चर्चा का स्तर ऊपर आया मैं मान सकता था। माननीय अध्यक्ष, मैं और देशों की भी बहुत सारी बातें हुई, उस देश के कानूनों का अध्ययन करे बगैर इसका रेफरेंस दिया गया है। हमारा कानून तो शक्ति के हिसाब से बच्चा है माननीय, इससे कठोरतम कानून दुनिया के देशों के अंदर बने हैं और वहां पर
दो सिद्धि का प्रतिशत देखें, दक्षिण अफ्रीका में 82%, यूनाइटेड किंगडम में 84%, कनाडा के अंदर 64%, ऑस्ट्रेलिया में 97% और अमेरिका में 93%। ये क्यों है? क्योंकि वहां प्रोसिक्यूशन एजेंसी को साइंटिफिक एविडेंस का आधार मिला हुआ है। साइंटिफिक एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस, इसके आधार पर प्रोसिक्यूशन एजेंसी आगे बढ़ती है, इसलिए अदालतों को सजा करना बहुत सरल हो जाता है और जो गुनेगार है उसको कानून की गिरफ्त से भागना बहुत कठिन हो जाता है। क्या हम हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को उस ओर मोड़ना नहीं चाहते? मोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? ये सदन के सामने ये बिल आया इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम सिर्फ राजनीति की कोरी चिंता करेंगे? राजनीतिक चिंताओं का सम्मान है, आपकी शंकाओं का भी जवाब देने का मेरा दायित्व है और मैं दूंगा भी, परंतु आप में से कोई एक तो भला बोलता कि भैया ये जरूरी है मगर इतनी चिंता करिए? एक का मैंने सब भाषण धैर्य से सुने मान्यवर, कहीं पर भी कोई नहीं बोला। मान्यवर, ये बिल लाने का उद्देश्य दो सिद्धि को बढ़ाना और साइंटिफिक एविडेंस को हमारी प्रोसिक्यूशन एजेंसियों को उपलब्ध कराना है। मान्यवर, एक देश में एक प्रथा हो गई, लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। हम तो चाहते प्रतिपक्ष मजबूत हो, मगर जनता जो चाहती है वही यहां आता है। हम तो चाहते हैं प्रतिपक्ष मजबूत हो, परंतु अल्टीमेटली वो तो जनता को निर्णय करना है। मान्यवर, कोई भी सरकार बनती है वो विधि से स्थापित होती है। कोई भी सरकार जो बनती है वो विधि से स्थापित होती है और सरकार लोगों के मैंडेट का प्रतिनिधित्व करती है। सरकार की हर लेजिस्लेशन को, हर कानून को शंका की दृष्टि से देखकर एक शंका का गहरा बादल देश के विचारों के आकाश पर बना देना कितना उचित है। जन भावनाओं को गुमराह करना, शंकाओं के औथार के नीचे आप हर चीज को जनता के मन में भय उत्पन्न करना, ये कितना ठीक है? मन हमने कहीं ना कहीं इसका विचार करना पड़ेगा। ये सरकार कोई पार्टी नहीं बनाती है, पार्टी तो अपना एजेंडा लेकर जनता के सामने जाती है, जनता वोट करती है और उसमें से सरकार बनती है। ये सरकार संविधान बनाता है, संविधान की धाराएं बनाती है, शपथ संविधान के लेने पड़ते हैं। तो सरकार के हर इंटेंट शंका खड़ी करना और शंका का एक बादल खड़ा कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास मान्यवर लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और मैं देख रहा हूं हर एक सरकार के कदम को राजनीतिक तराजू के अंदर ही तोला जाता है, हर एक सरकार के कदम को पक्ष और विपक्ष की भाषा में ही देखा जाता है। सरकार के हर उद्देश्य को इसका ये उपयोग हो जाएगा, उसका वो उपयोग। मैं समझ रहा हूं आपको शंका ना स्वाभाविक, जब आप पावर में थे तब किया है दुरुपयोग, आपने किया है दुरुपयोग, मगर हम उनमें से नहीं है, नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। मैं बोलूंगा तो पसंद नहीं आएगा, कहेंगे पुरानी बात है। मैं बोलूंगा तो पसंद नहीं आएगा, आप तुरंत कहेंगे पुरानी बातें पुरानी ही है क्योंकि आपकी सत्ता पुरानी हो गई, तो बात तो पुरानी ही आएगी। आज तो आप विपक्ष में बैठे हो मान्यवर, पर मैं इसमें जाना नहीं चाहता। कुछ सदस्यों ने ह्यूमन राइट की बात करी, मैंने कल भी लोकसभा में कहा था दो दिन पहले कि मान्यवर ह्यूमन राइट के दो पहलू होते हैं। मैं मानता हूं कि जिसको कानून पकड़ता है उसका भी ह्यूमन राइट है, उसका भी सम्मान होना चाहिए, परंतु उपसभापति महोदय, हत्या जिसकी होती है, जो घर निराधार हो जाता है, जो घर का एक ही कमाकर घर का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति मर जाता है, उसके बाल बच्चों का भी कोई ह्यूमन राइट होता है या नहीं होता है? इसकी चिंता भी सदन ने करनी है या नहीं करनी है? ह्यूमन राइट कभी एक तरफा नहीं हो सकता। जब बम धमाके होते हैं
टेररिज्म फैलता है, हजारों हजारों लोग मारे जाते हैं, मरने वालों का भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ टेररिस्टों का ह्यूमन राइट नहीं है। गुनाह के विक्टिम उसका भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ गुनेगार का ह्यूमन राइट नहीं है। अगर हम कानून बनाने वाली संस्थाएं ये दोनों ह्यूमन राइट के बीच में भले बुरे का अर्थ नहीं समझेगी, दोनों के बीच में संतुलन नहीं बनाएगी, तो हम किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? जो लोग कानून के भरोसे अपना जीवन जीना चाहते हैं, जिनकी संख्या 97% से ज्यादा है, इसकी चिंता न करें? इसकी चिंता जरूर करनी चाहिए माननीय, आप लोगों को जिसकी चिंता करनी है करिए, हम तो वो 57% कानून के हिसाब से लोगों को जीने वाले लोगों के ह्यूमन राइट की चिंता करने वाले। माननीय, स्वतंत्रता का सबसे सबको अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट विद्वान लोगों ने यहां कोट किए, मगर हर जजमेंट में से सिलेक्टिव पार्ट ही अपना लेकर पढ़े। उसके आगे लिखा है कि स्वतंत्रता इस मात्रा में ही उपयोग होनी चाहिए कि किसी और की स्वतंत्रता का हनन न हो जाए। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता है। स्वतंत्रता के दायरे हैं, स्वतंत्रता कानून के दायरे में संविधान के चार कोने के बीच में दी गई है, और इस स्वतंत्रता की व्याख्या और किसी की स्वतंत्रता का हनन करने के लिए नहीं उपयोग की जा सकती, ये स्वतंत्रता नहीं। मान्यवर, स्वतंत्रता का सम्मान हम भी करते स्वतंत्रता का सम्मान। मान्यवर, फौजिया खान जी, संजय जी, सबने शंका का वातावरण खड़ा करने का उपयोग किया है, प्रयास किया है, सवाल भी उठाए हैं, उनका अधिकार है, मगर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सदन के सभी सदस्यों को कि बिल लाने के पीछे मेरी या हमारी सरकार की, ना हमारे प्रधानमंत्री की, किसी की भी मंशा नहीं है। ये बिल लाने के पीछे मंशा, एकमात्र मंशा यह है, इस देश में गुनाहों के प्रमाण को कम किया जाए, इस देश में सजा के प्रमाण को बढ़ाया जाए, और इस देश के कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारा जाए, और इस देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़। और मैं आगे बताता हूं कि किस प्रकार से एक कहा गया कि भाई इसका दुरुपयोग होगा, निजता का हनन होगा। माननीय, सारा डेटा जो आएगा वो एनसीआरबी के पास रहेगा, और मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनसीआरबी में जो डेटा आएगा वो सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर और सुरक्षित हार्डवेयर के अंदर ही रहेगा। डेटा भंडारण में किसी तीसरे पक्ष, थर्ड पार्टी या निजी एजेंसियों को कोई स्थान नहीं मिलेगा, एनसीआरबी ही उसको मैनेज करेगी। माननीय, एनसीआरबी का जो डेटा भंडारण है उसको सरकार की उच्च से उच्च कक्षा की कमिटी इसका परीक्षण करेगी, और डेटा साझा करने के लिए भी एक पद्धति बनाएगी। इसके लिए भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और इस क्षेत्र के एक्सपर्ट की एक कमिटी बनेगी, वो डेटा साझा करने की पद्धति को बनाकर रूल्स के अंदर व्याख्यायित कर ये नोटिफाइड करेगी। माननीय, मैं थोड़ा एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी एनसीआरबी के पास एक नफीस करकर सिस्टम बनाया है, इसके तहत 1 करोड़ फिंगरप्रिंट का डेटा है, और अगर ये बिल राज्यसभा के सदस्य पास कर देते हैं तो ये डेटा बहुत बढ़ेगा, फिंगरप्रिंट का डेटा बढ़ेगा। अब किसी भी राज्य के कोई एक दूर के गांव में चोरी होती है और पुलिस जाकर फिंगरप्रिंट लेती है, तो फिंगरप्रिंट लेने के बाद पुलिस इसको प्रिजर्व करती है, क्योंकि जब चोर पकड़ा जाएगा तब फिंगरप्रिंट मैच करकर उसको सजा कराने के काम में आए। चिदंबरम साहब ने तो फिंगरप्रिंट पर ही क्वेश्चन कर दिया, मगर अभी तो अदालतें मानती है इसको, इसलिए उसको सजा कराने के काम में आएगा। अब यह सिस्टम आने के बाद क्या होगा, किसी घर में चोरी होगी तो पुलिस अफसर
फॉरेंसिक साइंस की टीम को बुलाकर वहां जो उपलब्ध फिंगरप्रिंट है उसको लेगा, घर के लोगों के फिंगरप्रिंट लेकर उसमें से घर के लोगों के फिंगरप्रिंट को बाहर निकाल लेगा, जो बच जाएगा वो फिंगरप्रिंट चोरी करने वाले शंकास्पद व्यक्ति के है। आज स्थिति है पुलिस उसको ढूंढती है, उसका फिंगरप्रिंट लेती है और फिर मैच करती है। अब क्या होगा, वो फिंगरप्रिंट वो भेजेगा एनसीआरबी को, वो पुलिस स्टेशन को या पुलिस को पूरे फिंगरप्रिंट का एक्सेस नहीं है, वो पुलिस स्टेशन भेजेगा फिंगरप्रिंट एनसीआरबी को, एनसीआरबी 1 करोड़ फिंगरप्रिंट के डेटा को 3.5 मिनट में रन कर अगर उसमें वो चोर है तो उसका नाम पुलिस स्टेशन को भेज देगा, पुलिस को ढूंढने की जरूरत नहीं। अब भला बताइए इसमें क्या निजता का हनन होगा, क्या हनन होगा? किसी महिला पर अगर बलात्कार हुआ है वहां से जो बायोलॉजिकल सैंपल मिलेगा उसका बायोलॉजिकल सैंपल के डेटा के साथ जिन्होंने महिलाओं के अपराध किया है इसके साथ मैचिंग कर अपराधी को जल्दी पकड़ लिया जाए और 1 साल के अंदर उसे सजा हो, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? निजता का हनन तो तब होगा जब ये डेटा पुलिस स्टेशन को उपलब्ध कराएंगे, किसी को यह डेटा नहीं देना है। पुलिस स्टेशन से क्वेश्चन आएगा, इसका मैचिंग कर जवाब पुलिस स्टेशन पर जाएगा जो कोर्ट में एडमिसेबल एविडेंस होगा। माननीय गृह मंत्री जी एक मिनट, मान्यवर मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इससे किसी का भी निजता का हनन नहीं होने वाला है, कोई डेटा लीकेज का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। रूल्स के अंदर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी, जो डेटा रखने वाले हैं उसकी जिम्मेदारी। और आज तक तो आजकल तो मान्यवर टेक्निक बहुत आगे गई, कोड के बगैर डेटा नहीं मिलेगा, मिलेगा इसका कंप्यूटर की क्लॉक में समय भी निश्चित हो जाएगा और उसका एक कंप्यूटराइज रजिस्टर होगा कि किसकी डिमांड पर, किस एजेंसी की डिमांड पर ये डेटा का एक्सेस किया गया है। मान्यवर इसके अंदर इतनी शंका ना मान्य संसद सदस्य रखे ना जनता को रखने की जरूरत है, इसको पूरे विचार के साथ ही हम नोटिफाइड करेंगे, पूरी सिस्टम बनाने के बाद ही नोटिफाइड करेंगे और रूल्स भी इसके सारे तज्ञों के साथ चर्चा करने के बाद हम नोटिफाइड। मैं इसलिए कहता हूं कि अगर शंका राजनीति से प्रेरित नहीं है तो इसका निरसन जरूरी है, सभी लोगों की शंकाएं राजनीति से प्रेरित है ऐसा मैं नहीं मानता, इसलिए मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। माननीय 2014 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्मार्ट पुलिसिंग की एक व्याख्या देश के सामने रखी थी और स्मार्ट पुलिसिंग की व्याख्या को उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है, क्योंकि इस देश में जब तक पुलिसिंग के पद्धति को बदला नहीं जाता, इस देश के अंदर दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाया नहीं जाता और गुनाहों के प्रमाण को भी कम नहीं किया जा सकता। माननीय इन्होंने एस से कहा था स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव, एम से कहा था मॉडर्न और मोबाइल, ए से कहा था अलर्ट बट अकाउंटेबल, आर से कहा था रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टी से कहा था ट्रेन और टेक्नोलॉजी। ये जो बिल है मान्यवर ये टी को एड्रेस करने वाला है, देश भर के सभी प्रिजन के अफसर को, सभी पुलिस अफसरों को इसकी टेक्नोलॉजी से ट्रेन करने का अभियान भारत सरकार के बीपीआरएनडी और हमारा एनसीआरबी उठाने वाला है, इनको ट्रेन करेंगे और उनको टेक्नोसेवी भी बनाएंगे और तब जाकर ये बिल की मंशा पूरी होगी। मान्यवर क्या हम आगे बढ़ना नहीं चाहते? मान्यवर ये सदन ने भी ये सोचना पड़ेगा कि हम वही रहना चाहते हैं, सिर्फ राजनीति की गुल्ला डंडी डंडी खेलकर देश का विचार नहीं करेंगे हम। अरे बहुत सारी चीजें राजनीति के करने के लिए, मैं बंगाल आऊं चुनाव के लिए तब कर लो भाई, कौन डरता है, कर लेंगे दो दो हाथ, हम नहीं डरते। मगर जहां तक जनता के संरक्षण का सवाल है, उसकी सुरक्षा का सवाल है, पुलिस को ताकत देने का सवाल है,
गुनेगारों को सजा कराने का सवाल है। मुझे लगता है मान्यवर इसमें किसी ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ये जो बिल मैं लेकर आया हूं ये एक अकेला हमारा प्रयास नहीं है मान्यवर। विगत 2.5 साल के अंदर ढेर सारी चीजें मोदी जी के स्मार्ट पुलिसिंग की व्याख्या को चरितार्थ करने के लिए गृह विभाग ने की। मोदी जी ने जो व्याख्या की है इसके 8 बिंदुओं पर गृह मंत्रालय काम कर रहा है। अगर ये बिल आइसोलेशन में आता है तो शंका और गहरी हो सकती है कि भाई चलो एक अकेले बिल से क्या होगा। ऐसा नहीं है, हम इसके लिए एक एनवायरमेंट भी बना है और बहुत सारे प्रयासों में से ये बिल एक प्रयास आइसोलेशन में नहीं है। मान्यवर हमने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है। क्यों बनाई है फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी? इसलिए बनाई है कि बहुत सारे रिपोर्टों के अंदर है कि 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी धाराओं के अंदर फॉरेंसिक एविडेंस को कंपलसरी करना चाहिए। कर तो दे, मगर ट्रेन मैन फोर्स कहां है भाई? हमारे पास तो इतना मानव संसाधन बल है ही नहीं, तो क्या करना? फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा नहीं देना, फॉरेंसिक एविडेंस को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो हमने मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे वहां गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई थी। यहां प्रधानमंत्री बनने के बाद 2020 में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की हमने रचना की, जिससे वहां से जो विद्यार्थी निकलेंगे बीएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक साइंस और इसके अंदर R&D करने वाले बच्चे भी निकलेंगे हर विधा के अंदर। मान्यवर आज 2 साल के अंदर ये यूनिवर्सिटी ने 6 राज्यों में राज्य सरकारों के साथ एग्रीमेंट कर इस यूनिवर्सिटी से अटैच कैंपस और कॉलेज अलग अलग राज्य में खोले हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ही सालों के अंदर ये यूनिवर्सिटी से और इसके संबंध कॉलेजों से अनेक विद्यार्थी बाहर आएंगे जो फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में देश को न केवल मजबूत करेंगे, देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। मान्यवर और ये फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के जो तज्ञ बाहर आएंगे वो केस को सजा कराने के लिए, अपराधी को सजा कराने के लिए फॉरेंसिक साइंस के साइंटिफिक एविडेंस के बेस को मजबूत कर प्रोसिक्यूशन एजेंसी की मदद में रहेंगे। मान्यवर ये हमारा आइसोलेशन में प्रयास नहीं है। हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाया, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी 2020 में बनाया और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के तहत जो बच्चे, कुछ बच्चे चाहते हैं बचपन से कि मैं डॉक्टर बनूं, कुछ वकील बनना चाहते हैं, कोई पत्रकार बनना चाहते हैं, कोई राजनीति में आना चाहते हैं। इस तरह से बहुत सारे बच्चों की मंशा होती है कि मैं रक्षा के क्षेत्र में काम करूं, मेरी करियर में रक्षा के क्षेत्र में बनाऊं। तो उनके लिए कोई स्पेशलाइज कोर्स ही नहीं है, वो तो बेचारा BSc करता है, BA करता है, BCom करता है, फिर एग्जाम देता है, शरीर तगड़ा है तो सिलेक्ट हो जाता है और फिर उसकी ट्रेनिंग होती है। तो क्यों नहीं ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए जो रक्षा के साथ जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के अंदर एक स्पेशलाइज फोर्स खड़ा करे, एक एक्सपर्ट्स खड़ा करे। रक्षा के क्षेत्र के साथ बहुत सारी विधाएं जुड़ी हुई है, तो इसके लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसके स्पेसिफिक अध्ययन के लिए हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाया है मान्यवर। और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी आने वाले दिनों में पूरे देश के अंदर अपने संबंध कॉलेजों को बढ़ाने वाली है। मान्यवर नेक्स्ट जनरेशन क्राइम को हमने समझना भी पड़ेगा और उसके सर्कल को तोड़ना भी पड़ेगा। हम चाहते हैं कि पुलिस, देश की कानून प्रवर्तक एजेंसियां क्रिमिनल से 2 कदम आगे रहे, पुलिस से क्रिमिनल 2 कदम आगे न रहे। पुलिस को सुसज्ज करना पड़ेगा। आप ह्यूमन राइट, प्राइवेसी, ये सारी चीजों को कर पुलिस के हाथ में हथकड़ी लगा दोगे और उसको तैरने के लिए स्विमिंग पूल में डालोगे और कहोगे जाओ भैया गोल्ड मेडल लेकर आ जाओ, वो नहीं आ सकता। उसके हाथ को सशक्त करना पड़ेगा, उसके हाथ को मजबूत करना पड़ेगा, उसके हाथ में भी वेपन देना। तो ये प्रयास पुलिस को सशक्त करना, कानून प्रवर्तक एजेंसियों को सशक्त करने के लिए प्रयास। मान्यवर नेक्स्ट जनरेशन क्राइम को हम चिर पुरातन पद्धतियों से हैंडल नहीं कर सकते। हमने भी नेक्स्ट जनरेशन की तकनीक को अपनाना होगा।
और पुलिस को इससे लैस करना होगा, पुलिस को इसके ट्रेन करना पड़ेगा। भारत सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो भी बनाया है। ये ब्यूरो देश भर में एनसीआरबी के पास जो क्राइम का रिकॉर्ड आता है उसका एनालिसिस करता है और विशिष्ट प्रकार के काम करने वाले, क्राइम करने वाले लोगों की मोडस ऑपरेंडी क्या होती है इसका स्टडी करता है, इस पर डिस्कशन होता है, इसके समाधान ढूंढे जाते हैं और वो समाधान बीपीआरएनडी के माध्यम से देश भर की पुलिस को भेजे जाते हैं। ये भी हमने नया इनिशिएटिव लिया है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में भी हम बदलाव करने जा रहे हैं। ये भी बहुत पुराने हो चुके, इसको भी बदलाव, मैंने सभी मान्य संसद सदस्यों को पत्र भी लिखे कि आपका कोई इसमें सुझाव हो तो आप जरूर भेज दीजिए, हम इसको अभी बना रहे हैं। और जहां तक बात करा कि भाई स्टैंडिंग कमिटी को देना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट तीनों को सुधार कर हम लाएंगे, निश्चित रूप से गृह विभाग की स्टैंडिंग कमिटी को देंगे और जांच परख कर ही मैं उसको ग्रुप के अंदर, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु इस बिल में इतने बड़े बदलाव ही नहीं हो रहे। मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, मैं तो रिक्वायरमेंट पर हूं। चिदंबरम साहब ने और सारे लोगों ने जो जवाब दिए उसके मुझे जवाब देने मान्यवर। इसके अलावे हमने डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का कार्यालय का भी सभी जगह, सभी राज्यों को मैंने पत्र लिखा है, एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होना चाहिए जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी को, हर राज्य की पुलिस को उस पर निगरानी रखे कि प्रोसिक्यूशन ठीक तरीके से हो। और ढेर सारे हमने ई गवर्नेंस इनिशिएटिव भी मान्यवर लिए हैं। मैं ई गवर्नेंस इनिशिएटिव को इसलिए बताना चाहता हूं कि सारी जो शंकाएं हो रही हैं वो शंकाओं का दो मिनट में निरसन हो जाएगा ध्यान से सुनने के बाद। मान्यवर, एक सीसीटीएनएस करकर एक नेटवर्क सिस्टम भारत सरकार का चलता है, मैं इस ग्रुप को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि 16,390 मतलब 100% पुलिस थानों ने सीसीटीएनएस नेटवर्क को अपना लिया है और पूरे देश के थाने सीसीटीएनएस नेटवर्क से चलते हैं और 99% पुलिस स्टेशन में अब एफआईआर सीसीटीएनएस में सीधे दर्ज हो रही है। जहां नेटवर्क के थोड़े प्रॉब्लम है इसका भी हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। मान्यवर, सीसीटीएनएस नेटवर्क के अंदर 7.47 करोड़ एफआईआर उपलब्ध है। जो डेटा लीकेज की बात करते हैं मैं उनको बताना चाहता हूं। मान्यवर, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसी, ये सारी एजेंसियां, राज्य की पुलिस भी इसका उपयोग कर रही है। मान्यवर, ई प्रोसिक्यूशन भी हमने चालू किया है और 751 जिलों में, प्रोसिक्यूशन के जिलों में ई अभियोजन को लागू कर दिया गया है। आज तक कोई फरियाद नहीं। ई प्रिजन, देश की 1,259 जेलों में ई प्रिजन लागू कर दिया गया है, कोई फरियाद नहीं आई। ई फॉरेंसिक्स, 117 फॉरेंसिक लैब में ये लागू हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, आज तक कोई फरियाद नहीं। इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS वो भी लागू हो गया है और ICJS के तहत अब CCTNS, ई प्रिजन, ई कोर्ट और ई फॉरेंसिक को जोड़ने का भी काम अब चालू हो गया है और वो एकीकृत डेटाबेस से एनालिटिकल मॉड्यूल भी बनाए गए हैं जिससे देश भर के क्राइम का एनालिसिस होकर उसके रोकने के मॉड्यूल बने। कई राज्य ऐसे होते हैं जहां समान प्रकार के क्राइम होते हैं, कई जिले ऐसे होते हैं जहां समान प्रकार के क्राइम होते हैं, कुछ सागर किनारे के जिले हैं वहां अलग प्रकार के क्राइम होते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार एक अलग प्रकार के क्राइम होते हैं जहां मैदानी इलाके हैं, कुछ जिले पहाड़ी हैं वहां अलग प्रकार, ये सबको ये एकीकृत डेटा बेस से एनालिटिकल मॉड्यूल से हम एनालिसिस करते हैं और इसके समाधान बीपीआरएनडी को भेजते हैं। गृह मंत्रालय का मतलब आपके मन में बहुत सीमित है, मैं बहुत बोलना नहीं चाहता था मगर जो व्याख्या मेरे मंत्रालय की आप लोगों के मन में है मुझे लगा इसे मुझे बदलना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आज इतनी डिटेल बात करता हूं।
मान्यवर इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस ITSSO वो भी हमने लागू कर दिया है और देश भर में ये सिस्टम लागू हो गई। यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस NDSO भी ऑनलाइन उपलब्ध है मान्यवर, और लगभग 11.83 लाख यौन अपराधियों का डेटा एजेंसियों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है, कोई फरियाद नहीं आई। क्राइम एक्ट, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, उसको भी हमने लॉन्च कर दिया गया है और लगभग 59,937 लोगों ने क्राइम एक्ट का इस्तेमाल किया है और लगभग 23,000 अलर्ट्स इससे जनरेट हुए हैं। मान्यवर मोडस ऑपरेंटी ब्यूरो की बात मैंने पहले आपको कर ही दी है। NCRB ने एक पोर्टल पर नागरिक सेवाएं शुरू की है जिसके लॉन्च के बाद अब तक 2,27,400 लॉगिन हो चुके हैं और अलग अलग सेवाओं को उसको जवाब दिया गया है। लापता व्यक्ति की खोज, ये CCTNS से लेकर हमने एक अलग सुविधा बनाई है। लापता व्यक्तियों की खोज, किसी भी व्यक्ति गुम हो जाता है तो उस पर पोर्टल पर आता है, वहां एक डेटाबेस होता है, इसके साथ मैचिंग होता है। और मैं सदन को बताना चाहता हूं यही पोर्टल के तहत मान्यवर 14,513 लोग अपने परिवारजनों को वापिस लेने का काम मान्यवर हो। वाहन सेकंड हैंड व्हीकल अगर किसी को खरीदना है तो चोरी का है नहीं है किसी को मालूम नहीं, लोग ले लेते हैं बेचारे, फिर पुलिस उनके घर पर पहुंच जाती है, उनको भी पकड़ कर ले जाती है चोर के साथ साथ, तो उसको पहले कैसे मालूम है। तो हमने लगभग इसके लिए एक डेटाबेस CCTNS से चोरी किए हुए वाहनों का जो कंप्लेन है उससे बनाया। लगभग 2,96,200 लोगों ने अपने खरीदने वाले वाहन का वहां डेटा भेजा, इसको मैच कर भेजा और 13,637 चोरी किए हुए लोग भी पकड़े गए और चोरी किए हुए गाड़ियां भी पकड़ी गई। ये क्या उपयोग होना है मैं बताना चाहता हूं। घोषित अपराधी, उसको भी CCTNS पर लिया है और ये सारे एनालिटिक मॉड्यूल इसका एनालिसिस कर रहे हैं मान्यवर। तो घोषित अपराधी जो पुलिस ने हमारे यहाँ अलग अलग राज्य के थानों ने, DIG ने, IG ने या DG पुलिस ने भेजे, इसमें से घोषित अपराधी भगोड़े 16,176 लोगों को पकड़ने का काम इस नेटवर्क के माध्यम से। मान्यवर ICJS के एनालिटिकल टूल के द्वारा भी हमने बहुत सारा खर्चा किया है मान्यवर, लगभग 2,050 करोड़ का खर्चा भारत सरकार ने सारी व्यवस्थाओं की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिल आइसोलेशन में नहीं है, ये बिल सबके अंदर एक खुट्टी कड़ी है। हमारे पास क्रिमिनल का डेटा नहीं है, वो क्रिमिनल का डेटा इसके अंदर ऐड होने से इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन बहुत सरल हो जाएगा। और क्या भय है, किस चीज का भय है मान्यवर? I4C के माध्यम से ढेर सारे और भी अलग अलग सेवाएं ली हैं और 112 के माध्यम से सभी पुलिस सेवाओं को एक ही फोन नंबर पर लाने का काम भी भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है मान्यवर। मैं इसलिए बताना चाहता था कि ये जो हमें जिस तरह से कटघरे में खड़े करने का प्रयास हो रहा था कि इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, ना जनता के मन में भी ऐसी भावना जानी चाहिए, ना सदन के सदस्यों के मन में भी ऐसी भावना चाहिए। हमें भी मालूम है ये जो लोकतंत्र के अंदर खुर्सी होती है ना, ये यावत चंद्र दिवाकरो नहीं होती है, कल कोई भी आ सकता है, तो मिसयूज का भय तो मुझे भी लग सकता है, मगर मुझे नहीं लगता है मिसयूज होगा तो देश की अदालतें हैं। मिसयूज हुआ भी है, लड़कर हम निकले भी है और अदालत में चांटा भी लगा है। मान्यवर भय से हम नहीं जीते हैं, और किसी भय के अधीन देश के करोड़ों लोगों को क्राइम की दुनिया से लड़ने का, उससे सुरक्षा का उपाय न करें, ये कोई ठीक बात नहीं है, ना झूठ सोचने का तरीका ठीक है मान्यवर। दो सिद्धि का जो प्रमाण कम है, इस पर कई सारी कमिटियों ने, कई सारे लोगों ने ढेर सारी चर्चाएं करके रिपोर्ट भारत सरकार को दी है। प्रमुखतः
तीन ही कारण बताए गए हैं मान्यवर। एक तो सबूतों की कमी, सबूतों की कमी के आधार पर प्रतिवर्ष 7.5 लाख केस में आरोपी छोड़ दिए जाते हैं। अदालत कहती है पर्याप्त सबूत नहीं है। अगर उसके साइंटिफिक सबूतों को अदालत के सामने रखें तो मैं मानता हूं कि एक केसों की संख्या आधे से भी कम हो जाएगी और लगभग 3.5 लाख केसों में सजा का प्रमाण हम बढ़ाएंगे। न्याय की प्रतीक्षा, अदालत बार बार प्रोसिक्यूशन एजेंसी को कहती है कि भाई आप और सबूत लेकर आइए, और सबूत लेकर आइए, और डेट पर डेट पड़ती है, न्याय लेट होता जाता है। जो निर्दोष है वो भी बेचारा आरोपी बना रहता है। माननीय उपसभापति महोदय, इससे समाप्त हो जाए। और वित्तीय क्षमता भी कम है, जब डेट पर डेट पर डेट पड़ती है तो इस ओर से तो सरकार लड़ती है। जो आरोपी होता है कई गरीब भी होते हैं, इनके घर के घर बिक जाते हैं, वो ऋण के बोझ के तले दब जाते हैं। अगर प्रॉम्प्ट एकदम स्पीडी न्याय मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। और मैं मानता हूं अगर साइंटिफिक एविडेंस का प्रमाण हमने बढ़ाया तो न्याय जल्दी मिलेगा। माननीय, ये बिल लाने के लिए उद्देश्य के लिए कुछ पूछ रहे थे, मैं ये भी आगे तो मैंने उद्देश्य बताया, मगर एक और उद्देश्य बताना चाहता हूं। माननीय, इन्वेस्टिगेशन थर्ड डिग्री पर इस जमाने में निर्भर नहीं रहना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन को थर्ड डिग्री पर से बदलकर तकनीक की डिग्री पर हम ले जाना चाहते हैं, डेटा की डिग्री पर ले जाना चाहते हैं और इंफॉर्मेशन की डिग्री पर ले जाना चाहते हैं। और ये सब सहमत हो गए कि थर्ड डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो करना चाहिए। कब बंद होगा? जब उसको साइंटिफिक एविडेंस का आधार लेंगे। इसलिए मान्यवर ये बिल लेकर मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, ढेर सारी बातें हैं, मैं इसके दूसरे हिस्से में बताऊंगा। अब कुछ सदस्यों ने अलग अलग प्रकार के सवाल भी मुझे पूछे हैं, शंकाएं भी करी है, और मैं मानता हूं कि उनका अधिकार है। सबसे पहले श्री चिदंबरम जी ने पूछा कि गृह मंत्री स्पष्ट करे कि ये जो आपने माप की व्याख्या की है वो व्याख्या के अंदर नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट आता है या नहीं आता है? ना जी, नहीं आता है। इस बिल का कोई प्रावधान किसी भी कैदी का नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन मैपिंग करने की इजाजत नहीं देता है। ये मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, तो इसलिए किसी को ये शंका रखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, इसके बाद पूछा मान्यवर कि पुट्टुस्वामी केस में जो निर्देश दिए गए हैं उसका उल्लेख उल्लंघन हो रहा है। जरा भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। पुट्टुस्वामी केस के अंदर उन्होंने और लोगों की स्वतंत्रता पर इसका ओवरलैप न हो इसलिए 3 अपवाद दिए हैं। ऐसा कानून सक्षम विधायिका द्वारा बनाना चाहिए। मैं मानता हूं ये सक्षम विधायिका है, चिदम्बरम साहब भी मानते होंगे। ऐसा यह वैध देश हित में होना चाहिए, तो जिन्होंने गुनाह किया है उसको सजा कराने से बड़ा वैध देश हित क्या हो सकता है? बोला तो वैध देश हित के अंदर भी है। मान्यवर, तीसरा उन्होंने कहा है कि अनुपातिक होना चाहिए। मान्यवर, ये कानून जो है वो अनुपातिक भी है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों का हाथ मजबूत करने और अपराध को सिद्ध करने के और इसके द्वारा व्यक्तियों के, जो प्रताड़ित व्यक्ति हुए, इसके मौलिक अधिकारों का रक्षा में के बीच में संतुलन बनाने के लिए कानून लेकर हम आए हैं। अभी एक तरफा ही है जिसका अधिकार छीना जा रहा है, जो विक्टिम है इसके अधिकार के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। ये जो कानून है विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए है और जो अपराध करने वाले हैं उसको सजा करें। किसी भी तरह से ये पुट्टुस्वामी केस के निर्दोषों का उल्लंघन मान्यवर नहीं करता है। इन्होंने 14, 19, 20, 3 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कहा, मैंने इसको मान्यवर एड्रेस किया है। उन्होंने कहा है, एक उल्लेख धारा 3 का किया, मैं
वो ठीक है, बिल पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा तो मैं भी कहूंगा, मगर मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धारा 3 के अंदर रूल्स बनाने के लिए भारत सरकार को अधिकार है। इसकी व्याख्या भी हम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि पॉलिटिकल आंदोलन वाले किसी भी व्यक्ति को सिर्फ पॉलिटिकल आंदोलन के लिए ये अपने माफ न दे। मगर पॉलिटिकल नेता का अगर क्रिमिनल केस में अरेस्ट होता है तो उसको फिर नागरिक के अधिकार रहना पड़ेगा, परंतु पॉलिटिकल आज्ञा का मतलब पुलिस की आज्ञा का उल्लंघन या तो किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा का उल्लंघन, इस प्रकार के उल्लंघन के लिए किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति का नाप नहीं लिया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना हूं माननीय, और इसके लिए हम रूल्स में प्रोविजन भी करेंगे। रूल्स बनाने का हमने पीछे हमारा अधिकार भी रखा है, बिल को ध्यान से जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसको माननीय मालूम होगा। मान्यवर जो यही है, अगर नागरिक धरना देता है तो उस पर केस होगा, जिसकी मैंने बात कर ली, उत्तुक स्वामी केस वाली भी बात मान्यवर मैंने कर ली है। मान्यवर इसके बाद विनय विश्वम जी ने कहा कि 124 ए सरकार लगा रहे हैं, हम 124 ए के दुरुपयोग के पक्ष के नहीं हैं, मगर विनय विश्वम जी केरल से कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद को 124 ए का क्यों आप उठा रहे हो? आप तो लोगों को मार दिए भैया, मेरी पार्टी के 100 लोगों की हत्या राजनीतिक कारणों से केरल में हुई, पूरी की पूरी जान चली गई है, और आप हमें 124 ए समझा रहे हो? क्या 124 ए समझा रहे हो? प्लीज प्लीज, मैं 124 ए को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि हम इसका दुरुपयोग करें। मैं इतना ही कहता हूं, कम से कम केरल से आए हुए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता को, सांसद को ये नहीं उठाना चाहिए। ये प्लीज प्लीज प्लीज, नो प्लीज 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 प्लीज, इन केरला अंडर 124 ए नोबडी इज इंप्लाइड। थैंक यू, यस प्लीज प्लीज, थैंक यू विनय जी। I request you to correct yourself. आप एक नाम बताइए। प्लीज प्लीज, अरे ढेर सारे उदाहरण है भाई, रॉन्ग स्टेटमेंट। थैंक यू विनय जी, ढेर सारे उदाहरण। थैंक यू प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं लेट 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 होमलेस, प्लीज प्लीज विनय जी प्लीज, नो मान्यवर प्लीज प्लीज मान्यवर, इनकी इच्छा है, इनकी इच्छा है तो इसी सदन के सवाल जवाब में से मेरी नहीं कोई और सरकार ने जो जवाब दिए हैं वो मैं सदन पे रखने के लिए तैयार हूं। मान्य केरल विधानसभा में सवाल जवाब में जो जवाब आए वो मैं सदन पर रखने के लिए, प्लीज मैं इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं करता। विश्वम साहब मेरे 27 साल हो गए किसी विधायिका में काम करते हुए, चाहे विधानसभा राज्यसभा, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। विश्वम जी प्लीज, स्टेटमेंट नहीं कर रहे, मंत्री जी की बात जा रही, प्लीज मान्यवर प्लीज 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 प्लीज। मान्यवर एक सदस्य ने कहा कि आंख में से आंख डालकर जवाब दे सकते हो, मैं तो जरूर दे सकता हूं अगर कोई आंख में से आंख डालकर पूछने की हिम्मत रखता है, जरूर दे सकता हूं, और किसी भी फोरम में रहे, क्योंकि मेरे मन में चोर नहीं है साहब। हम वही करते हैं जो हमारी आत्मा कहती है, और हम वही करते हैं जिसको आत्मा कानून के हिसाब से मानता है। मान्यवर मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई आंख में से आंख डालकर सवाल पूछे, मैं आंख में आंख डालकर जवाब भी जरूर दे दूंगा। मान्यवर संजय सिंह जी ने कहा कि गुजरात में ये FIR, अरे संजय बाबू, मान्यवर आपके माध्यम से मैं संजय बाबू को कहना चाहता हूं, अभी तो आप गुजरात गए हो, मुझे तो मालूम नहीं कोई FIR हुई या नहीं हुई इनकी पार्टी पर, कुछ करा होगा तो हो भी सकती है, मगर बंगाल चले जाओ जान चली जाएगी। अच्छा है अभी वहां गए नहीं हो आप। मान्यवर प्लीज 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 प्लीज,
माननीय गृह मंत्री जी आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है। माननीय सदस्यगण प्लीज बैठ जाए, आप बोले, आप बोले, आप बोले, प्लीज बोले, बोले। मान्यवर ये कुत्ते हैं, आप गए हो, मैं गया था 2019 के चुनाव में, मेरे रोड शो पर आग के गोले फेंके गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए नड्डा जी, इनकी गाड़ी को घेर कर उन पर जघन्य हमला किया गया। क्या पूछ रहे, क्या पूछ रहे, कैसे ना बोल सकते हो, ये रिकॉर्ड पर है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है। माननीय माननीय गृह मंत्री जी कई बातें जा रही है रिकॉर्ड पे और किसी की नहीं, प्लीज 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 मान्यवर प्लीज 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 माननीय प्लीज प्लीज माननीय गृह मंत्री जी को आप बोल रहे थे, प्लीज 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 थैंक यू प्लीज प्लीज माननीय गृह मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी प्लीज प्लीज। मान्यवर सुखेंदु शेखर रॉय जी ने कहा कि एससी एसटी माइनॉरिटी की डीएनए प्रोफाइलिंग, भाई पूरे सदन को मैं पूछना चाहता हूं, इसमें एसटी एससी माइनॉरिटी कोई शब्द है क्या? किस चश्मे से पढ़ते हो सुखेंदु रॉय जी, किस चश्मे से पढ़ते हो बिल को? अरे बिल बोले हैं आप, मैं तो सुनकर, मैं सुनकर लिखा है। वो 60% अंडर ट्रायल्स है, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी, थैंक यू, यही मैं बोला। तो मान्यवर अंडर ट्रायल है, इसकी जात या धर्म क्या देखना, अंडर ट्रायल जो है वो कानून की नजर में सब एक समान है, किसी अपराधी की जाति धर्म क्या देखना है और क्यों नहीं होना चाहिए। मान्यवर उन्होंने कहा है फासिस्ट बिल है, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, वो टीवी पर ममता दीदी देखती होगी, सारे सीआर सुधारने के लिए खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता मान्यवर, मगर फासिस्ट फासिस्ट शब्द की कड़ी से कड़ी व्याख्या को बंगाल की सरकार ने बदल दिया है मान्यवर, और फासिस्ट की नई डेफिनेशन फासिस्ट मान्यवर में ममता दीदी का नाम वापिस ले, बैठ जाओ, ले लिया वापिस, ममता जी का नाम ले, प्लीज बैठ जाइए, ममता दीदी का नाम मैं वापिस लेता। मान्यवर फासिस्ट शब्द की डेफिनेशन को जो डेफिनेशन में है उससे अलग प्रकार के मायने देने का काम बंगाल की सरकार ने कहा, बाबा आप कम से कम फासिस्ट का रेफरेंस मत दीजिए। अंत में मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, प्लीज 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 नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, सीट पर बैठ कर ना बोले, प्लीज 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 मान्यवर प्लीज 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 मान्यवर मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि बिल लाने के पीछे सरकार की मंशा किसी भी निजता का भंग करने की नहीं है, किसी के भी ह्यूमन राइट का वायोलेशन करने की नहीं है मान्यवर, और ना किसी भी किसी की भी निजता का भंग हो या ह्यूमन राइट का वायोलेशन हो, ऐसे लूपहोल्स भी हम नहीं रखेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं ये एक्ट और इसके रूल्स दोनों मिलकर एक अच्छी मजबूत प्रणाली बनाएंगे, जिससे कानून की मदद तो जरूर होगी मगर सभी का निजता और ह्यूमन राइट का वायोलेशन भी। धन्यवाद, थैंक यू। आई सेल फर्स्ट पुट द अमेंडमेंट मोड बाय